बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ढेरों खुशियां कामयाबियां दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की वीडियो में हम आपको सिखाएंगे पैच बनाना, कि किस तरह से आप पैच बना के अपने कपड़ों को खूबसूरत बना सकती हैं, वो भी घर पर खुद से पैच तैयार करके। ये डिज़ाइन आप ट्राउजर पर भी बना सकती हैं, स्लीवस पर भी बना सकती हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं ये डिज़ाइन बनाना। पैच तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने बुकरम ले लेनी है, और बुकरम की जो चौड़ाई है वो आपने 2.5 इंच लेनी है, और लंबाई जितना आपकी कमीज़ का दामन है आपने उस हिसाब से लेनी है। इसके बाद आपने इस तरह से शलवार के कपड़े के ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है। पेस्ट करने के बाद फिर आपने ऐसे एक तिरछी पट्टी ले लेनी है, और इसकी चौड़ाई तकरीबन 1.5 इंच है पाइपिंग लगाने के लिए। फिर यहाँ से इस तरह इसके नीचे रखनी है, और ये जो सीधी साइड है ये भी नीचे की तरफ होनी चाहिए। पहले आपने इस तरह पट्टी रखनी है, फिर ये सीधी साइड जो है ये नीचे की तरफ होनी चाहिए, और यहाँ पर आपने रख के और पूरे में साथ साथ इसके सिलाई लगा के पाइपिंग निकाल देनी है। इस तरह से हमने पूरे में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद फिर आपने यहाँ से इसको ऐसे सीधा करना है, सीधा करके, और फिर यहाँ से पाइपिंग निकाल लेनी है ऐसे फोल्ड करके, और बिल्कुल इसके साथ यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, यहाँ पे साथ साथ आपने इसकी सिलाई लगा लेनी है पूरे पे, और इस तरह से पाइपिंग निकाल लेनी है। इस साइड से भी और इस साइड पर भी आपने पाइपिंग निकाल लेनी है। इस तरह से हमने दोनों साइड पर पाइपिंग लगा के तो ये पैच को तैयार कर लिया। इसके बाद आपने बुकरम का पीस ले लेना है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 इंच लेनी है, और फिर इसको यहाँ से सेंटर से आपने फोल्ड करके एक लीव ड्रा कर लेना है। और इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फिर आपने कमीज के साथ का कपड़ा ले लेना है, और इसके ऊपर रख के आपने पहले इसको पेस्ट कर। पेस्ट करने के बाद फिर अगर आपके पास ये गिलू है तो ये ले लें, अगर ये नहीं है गम स्टिक है ये ले लें, या UHU लेकर और यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी साइडों पे लगा के और इसको ऐसे फोल्ड कर दें अंदर की तरफ। पूरे को ऐसे ही फोल्ड करके आपने एक पत्ती तैयार कर लेनी है, ऐसे आपने फोल्ड करके अंदर की तरफ, और इस तरह से आपने पत्ती बना लेनी है। इसके बाद आपने एक और कपड़ा ले लेना है, इसकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 इंच है, फिर इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करना है, और समोसे की शेप में इसको ऐसे फोल्ड करके और प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद फिर यहाँ पे आपने रख के सिलाई लगा लेनी है, सारे इसी तरह से आपने तैयार कर लेना है। इसके बाद आपने पैच को ले लेना, और पैच को यहाँ से सेंटर से आपने इस तरह से फोल्ड करके और इसका सेंटर कर लेना है। यहाँ से सेंटर करने के बाद फिर यहाँ से इस साइड से भी आपने 1.5 इंच छोड़ के यहाँ पे निशान लगाना है, और इस साइड से भी 1.5 इंच छोड़ के और यहाँ पे आपने निशान लगा लेना है। दोनों साइड पे 1.5 1.5 इंच आपने छोड़ना है। इसके बाद ये जो हमने समोसे लिए थे यहाँ पे पहले हम सेंटर में रख के लगाएंगे, ये पाइपिंग से अंदर की तरफ एक इस साइड पे आपने लगाना है, और इसी तरह से एक इस साइड पे लगा के और यहाँ पे हम दोनों पे सिलाई लगा लेंगे। हमने सारी लगा लेंगे। सारी लगाने के बाद फिर आपने पत्तियां ले लेनी है, और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा गिलू लगा के और यहाँ पे इसके सेंटर में रख के यहाँ पे हमने पत्ती लगानी है, एक इस साइड पे लगानी है और एक इसी तरह से दूसरी साइड पे। इस तरह से आपने बाकी सारी भी लगा लेनी है। इसी तरह से हमने सारी पत्तियां लगा लेनी है, और इसके बाद हमने यहाँ पे इन पत्तियों के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमने सारी पत्तियों पे सिलाइयां लगा लेनी है। इसके बाद आपने कमीज ले लेनी है, और यहाँ पे ये कमीज की उल्टी साइड है, फिर यहाँ पे इस पैच को आपने रखना है और यहाँ पे आपने सिलाई लगानी है। ये जो हमने पाइपिंग निकालने के लिए सिलाई लगाई थी बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ही हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। इसके बाद आपने पैच को सीधी साइड पे ऐसे फोल्ड कर लेना है। इस तरह से मोड़ने के बाद फिर हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है। ये जो पाइपिंग निकालने के लिए दूसरी सिलाई लगाई थी बिल्कुल इस सिलाई के ऊपर ही हमने इस साइड पर भी सिलाई लगा ले ली। बाद आपने इस तरह से मोती ले लेने हैं, और यहाँ पे हमने मोती रख के लगा देने, ये जो हमने समोसे लगाए थे बिल्कुल इनके आगे। ऐसे ही हमने इस साइड पे भी लगा लेना, और बाकी सब पे भी इसी तरह से लगा के उनको पक्का कर लेना। हम
हमारा दामन डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। तो आज की वीडियो और आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।